माई YouTube चैनल दोस्तों। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ क्यों जा रहा हूँ वो आप लोगों को चंडीगढ़ जाके पता लगेगा। बेसिकली मैं एक बाइक देखने के लिए जा रहा हूँ जो कि अभी तक सिर्फ वहीं पे अवेलेबल हुई है, तो मुझे लगा कि यार 3-4 घंटे सही जाने आने में लग रहे हैं, तो लगा लेते हैं 7-8 घंटे आने जाने का। तो देखते हैं जाके और कैसी बाइक है वो, और मैं किस बाइक पर मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ कौन जा रहा है, ये तो आपको अभी मतलब कि GoPro में पता चलेगा। इसके पास टेन्नर है, मेरे पास KTM है, जो मैं कभी जिंदगी में बाइक नहीं रखना चाहता, आज वो चलानी पड़ रही है। वक्त वक्त की बात है, कोई बात नहीं। नहीं, बाइक छपरी नहीं है एक्चुअली, YouTube वालों ने है ना लोगों को इतना वो बना दिया कि बाइकर छपरी है, लेकिन बाइक कभी छपरी थी नहीं ना है। चलो भाई फटाफट निकलते हैं यहाँ से। हम जा रहे हैं अपने लिए बाइक देखने के लिए, क्योंकि वो बाइक है ना अभी यहाँ पे दिल्ली में है ही नहीं और चंडीगढ़ पहुँच चुकी है, तो हमने सोचा क्यों ना भाई चंडीगढ़ चल के बाइक को देखा जाए। आज हम फ्री थे तो हमने बना लिया प्रोग्राम, लेकिन लेट हो गया जाने में, मतलब इस टाइम पे तो हमें वहाँ पहुँचना था। आज तक मैं कभी भी टेन्नर के पीछे नहीं था, टेन्नर के ऊपर था, आज टेन्नर के पीछे रहना पड़ेगा, टाइम टाइम की बात है। यहाँ पे ना टायरों में भी हवा कम है इस बाइक के, वो ये भी चेक करवा रहे हैं। पिछले में तो निकली है 30 के आसपास। ये बहुत गंदी है, पता है जब नई टेनर ले गए थे इस रोड पे, सबसे पहले फ्यूल ब्रेक यहीं पे था, यहीं पर रुके थे, और आज फिर नई टेनर है और मैं तू साथ में फिर यहीं पे यही फिर रुके हैं। आज पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैंने टेनर है ना बेचनी नहीं थी, भगवान कसम भाई पीछे से ऐ लग रही थी ना बाइक, बड़ी बहुत मन कर रहा था मेरा बाइक लेने का। अब नहीं बेच, मैं नहीं बेचना, मैं तू बेचियो मत, ये तो मैं तेरे को बोलूं भाई, और मैं भी दोबारा लेके आऊंगा टेंडर, मैंने सोच लिया आज अब की बारी मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं, मैंने दिखा के वाइट की वाट लगवा दी। मतलब ये ना क्या होता है, जो मशीनगिरी होती है ना वो आपको समझती है, आप उसको समझते हो, अगर आप किसी दूसरे को दे देते हो ना वो कभी नहीं समझता, वो ये समझता है कि भाई साहब इस एवरेज देखो 26.2 और 380 किलोमीटर का फ्यूल अभी है इस टैंक में, देखा माइलेज ऐसे निकालते हैं, और जिसकी ये बाइक है वो बोलता है मेरी बाइक है ना 18 के आसपास की माइलेज देती है। अरे पागल है क्या भाई, माइलेज देख माइलेज। और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा फास्ट या नॉर्मल स्पीड में हूँ, 80-120 के आसपास यही मैं बाइक को चला रहे हम दोनों, तो तब जाके इतना कर रही है, और ये 26.2 हो गई है वापसी, बढ़ रही है उल्टा, देखा जादू है हमारे हाथों में जादू। तो जी हम तो पहुंच चुके हैं अंबाला का जो गेट है, मतलब कि इसको हरियाणा का गेट बोलते हैं, और विपिन भाई साहब अभी भी नहीं आए, टेन्नर लेके भी पीछे रहता है ना। अच्छा चलो तो ये लो जी भाई, ये है वो बाइक, और यहाँ से काफी ज्यादा बड़ी दिख रही है बाइक। हाँ, ये सब कुछ सेम है जैसे पहले था, इंडिकेटर चेंज हो गया है, ये भी डिटो सेम है 850 जैसा, इंजन XR900 वाला सेम डाला हुआ है, ठीक है, तो इसलिए काफी आवाज भी अच्छी है, रिफाइन है, जैसे F800 में आती थी वो नहीं है, और लाइट वगैरह भाई इसके साथ में मिल रही है, फुट पैक जो मिल रहे हैं वो भी ऑफ रोड वाली मिल रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है, और भाई बाइक एक नंबर मिल रही है। बस अभी मैं स्क्रीन लगनी बाकी है, ये इसको बोलते तो हैं क्या बोलते हैं बट मेरे को नहीं पता, लेकिन ये चार्जर होता है, इसको उठा के आप लगा सकते हो, ऑलरेडी USB चार्जर यहाँ पे दिया हुआ है, टायर मोनिटर प्रेशर ये सब आपको बाइक के अंदर मिल रहा है, ठीक है, और ये वाली जो ये अलग से लाइट है उसके लिए अलग से यहाँ पे बटन दिया है, एक और बटन देने का यहाँ पे छोड़ा हुआ है, आपके हीटेड ग्रिप वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मतलब ठंड में भी भाई मज़ा ही आ जाएगा बाइक चलाने में। बाकी देखते हैं क्या है, अपनी किस्मत में है, कब मिलती है विपिन भाई को, तो विपिन भाई तो कह रहा है यही कलर उठा ले, विपिन आगे से बहुत वाइड है ना, बहुत वाइड है, मतलब ये जैसे मैं क्या बताऊं मैं, वो वहां पे बाइक खड़ी है, इसका टायर छोटा लग रहा है,
इसका अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हैवी हैवी बाइक है और वो जो लग रही है बॉक्सर इंजन है बट वो ऊपर से ना छोटी है, ये ऊपर से बहुत ज्यादा वाइड दिख रही है भाई, मतलब कि साइड से व्यू देख लो बाइक का कितनी ज्यादा वो है, और वो वहां पे खड़ी है 1300 और ये तो अल्टीमेटली लग रही है भाई, मतलब कि दुनिया लेके लिए दो बाइक जाने की जरूरत नहीं, एक भी बोल रहा है, एक ही पे ही बोलता है, हम दोनों बाहर जाने की सोच रहे, पहले बाइक तो ले ले। और ये आगे से इसका कुछ व्यू है ऐसी, और साइड प्रोफाइल बाइक की है। तो ये फीचर मेरे को ना इसमें बड़े अच्छे लगे हैं बाइक के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कि हमारी बाइक में टायर प्रेशर कितना है, अभी बाहर में आ रहा है वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब की का एरर दे रहा है कि की नहीं है वो भाई के पास है वहाँ पे, और तो इतनी इतनी देर में दे रहा है, मतलब राइडर के पास होनी चाहिए। तो भाई बाइक आपने देखी कैसी लग रही थी, और भाई मेरे को सही बताओ ना तो मेरे को XR पसंद आई है 1000। ये ले ले। नहीं अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना अमाउंट का वो लगभग लगा के चलो 10 लाख के आसपास का आ रहा है, तो अभी स्पोर्ट्स बाइक हमारे पास है तो एक एडवेंचर की जरूरत है ना भाई। अभी हमने यहाँ पे खाना खा लिया है, अभी हम निकल गए हैं, और बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि भाई आपने अपनी बाइक जेस को बेच दी, इतनी प्यारी बाइक थी ये वो। भाई प्यारी बाइक थी, लेकिन उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं बाइक बिल्कुल राइड नहीं कर रहा था, मेरे पास खड़ी थी, तो भाई एक जब चीज़ खड़ी रहती है तो उसकी वैल्यू भी टूटती है, अब मैं उसको इतना चला ही नहीं पा रहा हूँ टूरिंग के पर्पज़ से। और विपिन ने ये बाइक ले ली है तो मैंने उसको सेल आउट कर दिया है, ये बाइक मेरे पास रहती है, जितना मैं चलाता हूँ आज भी मैं इसको चला सकता हूँ बदल बदल के, ठीक है, ये भी मेरे पास ही खड़ी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो मैं बाइक ले रहा हूँ थोड़ा सा टूरर एडवेंचर बाइक है, मेरे को घूमना है बहुत ज़्यादा, ऐसा घूमना है कि मैं अकेला कहीं भी उठाऊँ अपना सामान रखूँ और चल लूँ, ठीक है। दोनों बाइकों को साथ लेके जाएंगे, पहली ट्रिप कहाँ की होगी, कौन सी बाइक मैं ले रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा हिट मिल चुका होगा इस वीडियो से, मतलब किस कंपनी की, अभी फाइनली हम कौन सी बाइक ले रहे हैं देखने के लिए आए थे, तो देखते हैं अभी थोड़े टाइम में फिर होता जो होता है। चलो भाई यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम घर की तरफ, पहुँच जाएंगे और 2 घंटे में, 200 किलोमीटर के आसपास बचा है, 2 घंटे में नहीं मतलब कि लगेंगे 3-3.25 घंटा। तो भाई खुश रहो, आबाद रहो, घूमते रहो, क्या पता कल होना हो, भाई टेक केयर। और ये क्या हो गया, टक्कर होगी क्या हमने सामने भाई, चलो भाई बाय बाय। To get to see you again.